हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड द चिल्ड्रन इन जी के आर टूडेज टॉपिक इज स्पोर्ट्स क्विज सो लेट स्टार्ट द चैप्टर ए फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बच्चों यहाँ पे कुछ हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए उन्हें हमें फिल करना है फर्स्ट है डैश इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि जापान का नेशनल स्पोर्ट क्या है तो वो है सुमो रेसलिंग तो हम यहाँ पे सुमो रेसलिंग फिल करेंगे सेकेंड है डैश हैज वन द मोस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ वर्ल्ड कप सौसर अब यहाँ पे बच्चों कंट्री के बारे में पूछा गया है कि किस कंट्री ने मोस्ट टूर्नामेंट जीते हैं वर्ल्ड कप सौसर में तो उस कंट्री का नाम है बच्चों ब्राजील थर्ड डैश इज द ओनली फुटबॉल प्लेयर हु हैज प्लेड फॉर बोथ इटली एंड अर्जेंटीना अब यहाँ पे बच्चों खिलाड़ी का नाम पूछा है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है मतलब फुटबॉल प्लेयर है जिसने खेला है दोनों कंट्री की तरफ से इटली से भी और अर्जेंटीना से भी तो उसका नाम है बच्चों विस मॉन्टी फोर्थ द स्पोर्ट ऑफ स्नो बोर्डिंग ओरिजिनेटेड इन डैश इन नाइनटीन सिक्सटी अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्नो बोर्डिंग का गेम है स्पोर्ट है उसे कहाँ ओरिजिनेट किया गया था मतलब वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था तो वो ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में फिफ्थ रूवल गुलीड इज अ फुटबॉलर Who is nicknamed as Dash? अब यहाँ पे एक प्लेयर का नाम है फुटबॉल प्लेयर है ये रूवल गुलीट और यहाँ पे पूछा गया है कि इनका नेकनेम क्या है मतलब जो इनके फैंस हैं वो उन्हें किस नाम से बुलाते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है ब्लैक ट्यूलिप के नाम से सिक्स डैश इज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक अब यहाँ पे इंडियन एथलीट के बारे में पूछा गया कि कौन सा पहला इंडियन एथलीट था जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था तो बच्चा अगर आपने रिसेंट ओलंपिक गेम्स देखे थे तो आपको पता ही होगा उसका नाम है नीरज चोपड़ा सेवन्थ द स्पोर्ट ऑफ गोल्ड वॉज डेवलप्ड इन डैश इन दिफ्टीन सेंचुरी अब यहाँ पे पूछा गया है कि गोल्फ का जो स्पोर्ट है वो कौन सी कंट्री में डेवलप हुआ था फिफ्टीन सेंचुरी में तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों स्कॉटलैंड एट द गेम ऑफ डैश वॉज इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक गेम्स इन बर्लिन ओलंपिक्स इन नाइनटीन थर्टी सिक्स अब यहाँ पे एक गेम के बारे में पूछा गया है कि ये जो गेम है ये इंट्रोड्यूस कराया गया था मतलब फर्स्ट टाइम इसे ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया था कब बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में तो इस गेम का नाम है बच्चों बास्केट बॉल अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रिकेट से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं हु इज़ नोन एज लिटिल मास्टर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट बच्चों क्रिकेट की दुनिया में किसे कौन से खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहा जाता है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सुनील गावस्कर सेकेंड वेयर वर द ट्वेंटी ट्वेंटी टू कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड यहां पर पूछा गया है कि जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहां पे हुए थे वो हुए थे बर्मिंग गम में जो कि कहां पे है इंग्लैंड में थर्ड हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ खो खो टीम अब यहां पे पूछा गया है कि खो खो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं तो आपको पता ही होगा खो खो टीम में नाइन प्लेयर्स होते हैं नाइन एक टीम में और नाइन दूसरी टीम में नाउ फोर्थ इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन टू थाउजेंड टेन अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हुआ था टू थाउजेंड टेन वो भी हमारी कंट्री न्यू दिल्ली में तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों कॉमनवेल्थ गेम्स फिफ्थ वट इज द नेशनल स्पोर्टिंग कलर ऑफ इंडिया अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का नेशनल स्पोर्टिंग कलर क्या है मतलब ज्यादातर खिलाड़ी की जो जर्सी होती है जो उनकी ड्रेस होती है वो इसी कलर की होती है तो वो है ब्लू कलर सिक्स विच कंट्री वॉन द ट्वेंटी ट्वेंटी टू फीफा वर्ल्ड कप अब यहाँ पे अगर आपने बच्चों ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाला फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था उस कंट्री का नाम था बच्चों अर्जेंटीना सेवन्थ हु इन्वेंटेड द रेड कार्ड सिस्टम इन फुटबॉल मैच बच्चों यहाँ पे पूछा गया हमसे कि फुटबॉल मैच में रेड कार्ड सिस्टम किसने इन्वेंट किया था तो ये इन्वेंट किया गया था ब्रिटिश रेफरी कैन ऑस्टन ने एट्थ वेयर वर द 2020 ट्वेंटी ओलंपिक गेम्स हेल्ड अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो 2020 में ओलंपिक गेम्स हुए थे ना वो कहाँ पे हुए थे वो हुए थे टोक्यो जापान में तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफी नॉलेज भी मिली होगी अब आपको उसका रिविजन और उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है